नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आयुषी शर्मा। S24x7 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए दिखाते हैं आपको आज की सबसे बड़ी खबर। बेसिस ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन और मेडिकल पिटीशन, क्यों क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया? क्योंकि सेटलमेंट हुआ था 89 में, उस टाइम गवर्नमेंट ने बोला था सिर्फ 3,000 लोग डेड है और 1,02,000 लोग इंजर्ड है, उस वो था बेसिस। बाद में 2004 में गवर्नमेंट क्योंकि क्लेम कोर्ट्स के पूरा क्लेम प्रोसेस करने के बाद गवर्नमेंट खुद एडमिट किया 5,70,000 लोग डेड और इंजर्ड है। हमने बोला उस बेसिस पर 5 गुना, उन्होंने गवर्नमेंट ने खुद बोला है 5 गुना ज़्यादा विक्टिम्स है, हम बोला है कॉम्पेंसेशन भी 5 गुना बढ़ना चाहिए। बाद में 2010 में गवर्नमेंट खुद मान लिया और एक क्यूरेटिव पिटिशन फाइल किया था, क्योंकि सेटलमेंट के समय सिर्फ 700 करोड़ का सेटलमेंट था। 2010 में गवर्नमेंट खुद 7,000 करोड़, 10 गुना ज़्यादा कॉम्पेंसेशन मांगा और पिटिशन अभी पड़ा हुआ। और क्या बेसिस पर? बेसिस होगा डिग्री ऑफ इंजरी। अभी BMHRC खुद बोल रहे हैं उनका पास 4,50,000 लोगों का मेडिकल रिकॉर्ड्स है, हम बोल रहे हैं उस बेसिस होना चाहिए एक गैस फिटिंग का डिग्री ऑफ इंजरी डिटरमिन करने के भी। कोई भी आज क्योंकि गवर्नमेंट बोल रहे हैं 5,20,000 लोग सिर्फ टेम्पररी इंजरी, हम बोल रहे हैं 40 साल का बाद कौन कैसे टेम्पररी इंजरी, वो सब परमानेंट इंजरी होना चाहिए और उनका बेसिस होगा मेडिकल रिकॉर्ड्स। हम बोल रहे हैं सब विक्टिम्स को राइट है उनका मेडिकल रिकॉर्ड्स का कॉपी मिलना और वो मेडिकल रिकॉर्ड्स कैटेगराइज करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद बोला है मेडिकल रिकॉर्ड्स पूरा कंप्यूटराइज करके BMHRC का और गैस रिलीफ हॉस्पिटल का रिकॉर्ड्स कंबाइन करना, कंपैटिबल बना के सबका एक ही मेडिकल रिकॉर्ड होना चाहिए और उस बेसिस डिग्री ऑफ इंजरी का बेसिस होगा कॉम्पनसेशन। हम सिर्फ हवा में नहीं बोल रहे हैं और कोई भी 40 साल का बाद टेम्पररी इंजरी नहीं हो सकता और ये सब परमानेंट इंजरी मान के उस हिसाब से उनका सब कॉम्पनसेशन बढ़ाना चाहिए। और अभी BMHRC हालत बहुत ख़राब है क्योंकि क्वालिटी ऑफ मेडिकल सर्विसेज बहुत पुअर है, क्योंकि उनका पास सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है। उसी टाइम एम्स भोपाल में बना हुआ और गैस विक्टिम की इलाज नहीं हो रहा है उधर, और उनका पास पूरा फैसिलिटीज है, डॉक्टर्स भी है ना? ये तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। भोपाल में बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज 1921 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज है ना गैस विक्टिम्स को, वो नहीं हो रहा है। भोपाल में बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है फिर भी गैस विक्टिम्स को नहीं मिल रहा है, बहुत नाइंसाफी हो रहा है। और हम बोल रहे हैं BMHRC का अच्छे डॉक्टर्स होना चाहिए। उस बेसिस पर हमने 1998 में पिटिशन फाइल किया, वो 2012 में 2012 में सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्शंस दिया था स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया को हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव करके पूरा मेडिकल रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज करके पूरा सर्वेलेंस होना चाहिए, हेल्थ सर्वेलेंस, वो नहीं हो रहा है। इसलिए हाई कोर्ट ने अभी बोल रहा है कंटेम्प्ट एक्शन लेंगे 8 ऑफिशियल्स, सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी एनवायरनमेंट और चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश और गैस रिलीफ सेक्रेटरी, इनके खिलाफ और ICMR और BMHRC और NIRE और NIC ये लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट एक्शन होगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट हियरिंग 13 अक्टूबर कर रखा है, उस टाइम तक इन्होंने प्रॉपर रिप्लाई कंप्लाइंस रिपोर्ट नहीं सबमिट किया तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट एक्शन होगा। कि ये बहुत सीरियस मामला है क्योंकि उनकी जिम्मेदारी इतने साल का बाद पूरा मेडिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करना तो बहुत क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। मैं आयुषी, अब मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर मिलेंगे।